बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के। ऐसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़र हुए हैं। अगर आप भी मोबाइल पे की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे पे अकाउंट बनाया हुआ है और आपका मोबाइल पे का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, या जो भाई अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपका मोबाइल पे का अकाउंट ब्लॉक हो जाए, फिर आपको जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो ब्लॉक हुआ अकाउंट है, ये अनब्लॉक तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल पे का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, और अगर जिन ब्लॉक हो चुका है या जिन भाइयों का ऑलरेडी ब्लॉक है वो उसको अनब्लॉक कैसे करें। तरीके तो बहुत से हैं, काफ़ी लोग ट्राई करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके पूछते हैं और ये बताते हैं कि हमने कस्टमर सर्विस पे भी बात की, यहाँ भी बात की, वहाँ भी बात की, ईमेल भी किया, लेकिन हमारा हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमारा अकाउंट जो है अभी तक ब्लॉक ही है। तो कोई बेस्ट वे, आसान सा तरीका बताएं जिससे फ़ौरन हमें रिस्पॉन्स मिले और हमारा अकाउंट जो है वो अनब्लॉक हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि तमाम भाई जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन भाइयों का अकाउंट ब्लॉक ऑलरेडी है, उन्होंने कैसे अनब्लॉक करना है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते चले कि आपका अकाउंट ब्लॉक किस वजह से होता है। जब भी आप मोबाइल पे की एप्लीकेशन को जो है वह VPN लगाकर ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं, जब आपके मोबाइल में VPN कनेक्ट होता है तो वो आपकी लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती है, जो कि जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। वो ये समझा जाता है कि किसी दूसरी कंट्री में आपके अकाउंट को हैक किया जा रहा है, आपके अकाउंट में जो इन एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि आपके अकाउंट को कोई भी ओपन ना कर सके और उसमें जो आपके पैसे हैं वो सेफ रहें, आपका अकाउंट सेफ रहे, आपके पैसे कोई जो है वो ना निकाल सके। इस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। कोशिश करें जब भी मोबाइल पे की एप्लीकेशन को ओपन करें तो आप अपने मोबाइल में जो है वो VPN को डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आप अपना जो है वो मोबाइल पे का एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, अकाउंट को यूज़ करेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। अब ऑलरेडी जिन लोगों का ब्लॉक है, उन लोगों के लिए क्या है बेस्ट जो है फास्ट रिस्पॉन्स है इन लोगों का, वो आपको ट्विटर पर मिलेगा। ट्विटर पर भी काफ़ी भी लोग जो गलती करते हैं, जब मैसेज करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, वो जो है वो उनके मोबाइल पे के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है उनमें रीट्वीट करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपने डायरेक्ट मैसेज करना है, रीट्वीट नहीं करना। डायरेक्ट कैसे करना है, आपने ओपन कर लेना है अपना ट्विटर अकाउंट और यहाँ पे आपने मोबाइल पे को सबसे पहले तो फॉलो करना है, और जैसे ही मोबाइल पे को आपने फॉलो करके यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आइकॉन देखने को मिलेगा मैसेज का, जैसे कि आप खरीद सकते हैं बेल के आइकॉन के साथ, जिस पे मैं दायरा लगाया मैसेज का है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने मैसेज करना है। काफ़ी भाई गलती क्या करते हैं, वो यहाँ से मैसेज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो मैसेज कर देते हैं यहाँ पे प्लस वाले निशान से, यहाँ से ट्वीट होता है तो जो तमाम लोगों तक जाता है। आपने ट्वीट नहीं करना, बल्कि आपने डायरेक्ट जो है इनको मैसेज करना। यहाँ पे ट्वीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरीवन कैन रिप्लाई, यहाँ पे तमाम लोगों के लिए ही चला जाता है, तो ये आपने नहीं करना। आपने जब भी उनको मैसेज करना है तो यहाँ पे आपने ये जो मैसेज का आइकॉन बना हुआ है इस पे क्लिक करके आपने इनको करना है, ताकि आपको फौरन रिस्पॉन्स मिले। तो यहाँ पे आपने अपना जो है अकाउंट का सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट भेज देना है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, इकामा नंबर, इकामा की पिक्चर, और साथ में आप लिख के बता सकते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो आप इसको आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप इसको अनब्लॉक कर दें। तो अगर आप सिर्फ पहले मैसेज करेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक है, तो वो आपसे आपका आईडी कार्ड यानी आपका इकामा नंबर की इकामा की पिक्चर मांगेगा, इकामा नंबर और मोबाइल नंबर मांगेगा, तो वो वेरीफाई करेगा, फिर आपका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप मैसेज करेंगे तो आपको फौरन जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप इनको ईमेल करते हैं, उनको फेसबुक ट्विटर वगैरह से इनको मैसेज करते हैं, या उनके कस्टमर सर्विस पे मैसेज करते हैं, तो वो कह तो देते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, वो आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं होता। अगर आप यहाँ से ट्वीट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज आप करेंगे, आप अपने अकाउंट की डिटेल देंगे, अपना अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी संभाल के रख लें, जो पे ब्लॉक लिखा आ रहा है वो उनको भेजें, तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे प्लीज़ अनब्लॉक माय अकाउंट,
तो वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका कैमरा पिक्चर वगैरह, तो आपका एक दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।